अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आप तमाम लोगों को अच्छा रखे। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। जो सेहत से है अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहत से रखे, सेहत और सलामती से रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे। जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उनको रोज़गार से लगा दे। जो तकलीफ़ में है अल्लाह ताला उनको उस तकलीफ़ से निजात दे। जो बे औलाद है अल्लाह ताला अपने ख़जानों में से उनको औलाद से नवाज दे। अल्लाह ताला हम सब के जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। अचानक का खैर अता फरमाए। आने वाले शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको रेस्टोरेंट एंड स्टाइल लेमन चिकन ऑयल दाली में। ये कप से हाफ कप गैस ऑन कर लूँगी। दो इलायची, दो लौंग डाल दी इसमें। ये एक हरी मिर्ची ली, इसको बारीक कट करके डाल देना है। करी पत्ता 7 से 8 पत्ते। अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे। करियाप्पा को जलाना नहीं है, करियाप्पा डाल के चिकन डाल देना है। चिकन 10 चाहिए हाफ के। और ये 10 बादाम है, 4 हरी मिर्ची है, 5 ऐसे काजू के टुकड़े हैं, साबित काजू भी है 5 से 6। इतनी क्वांटिटी को इतना लेना है। इसको मैं ग्राइंड करूँगी, ये दूध डाल के ग्राइंड करूँगी। और हल्दी डाल दी इसके अंदर में, और 3 पिंच नमक डाल के पानी में भिगा दी थी तो उससे स्मेल हट जाती, हल्दी डालने से स्मेल हट जाती। आप लोगों को अब ग्राइंड करके बताऊंगी या ऐसे छोड़ने दूंगी। और ये ग्राइंड हो गया बिल्कुल बारीक, बघारे बगैर के मसालों के वैसा नहीं, थोड़ा सा दरदरा है ना है। जब इसमें का पानी सूख जाता, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है, चैनल पे है, देखिए आप लोग। ये अच्छा फ्राई होना उसके बाद ये मसाला डालेंगे। अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए कम या ज्यादा। इस अनियन है, ये साइज़ की अनियन लेना है, ज़्यादा बड़ी नहीं यही। और ये जो ऑयल था इसमें, ये अनियन का तेल है, इसमें बनाए तो मज़े का बनता। ये दूध डाल के पीसी में, आप लोगों को कितना दूध लगेगा बताऊंगी मैं। इसमें लगा इतना दूध लगा, ये दूध लगेगा। ये डाल देंगे, दूध है ये ग्राइंडर में डाल के, वो करी में जार में डाल के क्लीन करिए समझिए दूध। हल्दी नहीं लगती इसमें, लेमन कलर लगता है इसमें। और स्लो पे बनाना है ये, और इसमें कोतमीर नहीं लगता, पुदीना नहीं लगता। दालचीनी जो गरम मसाला है ना, किसी भी उसमें है थोड़ी दालचीनी, एक्स्ट्रा पीस नहीं डालना है। अब ये कम फ्लेम पे रखूंगी, फिर आप लोगों को 10 मिनट से बताती हूँ। कम फ्लेम पे है, ये नींबू है, इसमें से थोड़ा क्रश करूंगी। ये लेमन रिल बोलते हैं, इधर ग्रीन वाला नहीं लेना है आप लोगों को, येलो वाला लेना है। ग्रीन वाला लेंगे तो कड़वा बनाएगा, थोड़ा लेना है बिल्कुल। ये 1 पिंच उतना, ये जो ऐसा करीब है इसको रिंड बोलते हैं, ये डालना है। इसमें कड़वा नहीं होता, परेशान मत हो, ये बहुत मजे का होता है, इससे चिकन को 4 चांद लग जाते। और अब तक कौन कौन खाली देख रही है, लाइक करे, लाइक करते जाइए, डिसलाइक करे तो कमेंट्स में लिखिए इसमें क्या कमी है, तो मैं भी आप लोगों से सीख सकती हूँ। अब ये जो चिकन दूध डाले थे ना, वो दूध है। अब ये प्याज डाल देंगे इसके अंदर,
ये लेमन का, एक लेमन का जूस है ये साइज के उतना ही। ये दो पिंच लेमन कलर है, ज़ाफ़रान नहीं डालना है। अगर आप लोग पूछेंगे आंटी इसमें सैफरान डाल सकते हो, तो नहीं, ये जो लेमन रिंग का जो छिलका डाले ना अपन लेमन का, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत जल्दी बन जाता है। ये 5 मिनट होने जाऊंगी, उसके बाद क्रीम डालूंगी इस पर थोड़ी सी, 2 टेबल स्पून क्रीम, अमूल की है ये। अब गैस बंद कर देना है, इतनी ग्रेवी रहना है इसके अंदर। चिकन बनके तैयार है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।